हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही हटकर के होगा, क्योंकि गाइस आज हम जा रहे हैं मथुरा, और मथुरा में गाइस क्या क्या चीज़ें हैं आपको सारी की सारी चीज़ दिखाएंगे। तो गाइस मैं अभी फटाफट से तैयार हो गया हूँ, और नीचे भाई तैयार हो रहा है, और हम दोनों भाई निकलते हैं फटाफट से उत्तम नगर की तरफ। वहीं से बस में हमने सीट बुक कर रखी है, वहाँ से फटाफट से जाएंगे मथुरा और दिखाएंगे वहाँ के प्लेसेस मस्त मस्त। तो गाइस आपका आज का जो ब्लॉग होगा काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, तो हमारे ब्लॉग को एंड तक देखना, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कितना हमारा किराया लगा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को, और गाइस ब्लॉग को इंजॉय कीजिए एकदम मज़े के साथ। तो गाइस मैं भी तैयार हो गया और ये भी तैयार हो गया भाई, और अभी हम दोनों निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, शाम के 7 बज गए और वहाँ पे पहुँचना भी है टाइम से। तो अभी गाइज हम अपनी बस में बैठ चुके हैं। मथुरा दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मथुरा बस और ट्रेन दोनों के द्वारा जा सकते हैं। अगर आप बस के द्वारा जाते हैं तो आपको पहले से ही टिकट। मथुरा घूमने की मोस्ट प्लेसेस में से एक प्लेसेस है। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए कई भक्त आए दिन आते रहते हैं। आप पूरी साल मथुरा में प्रवेश कर सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मथुरा में देखने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। आइए मथुरा के दर्शन करते हैं और तुम्हें करवाते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ धर्मशाला में पहुँच गए हैं, मतलब कि मथुरा, और यहाँ पे ठंडी है काफ़ी। ये देखिए धर्मशाला, अब मैं फटाफट से जाता हूँ धर्मशाला में, यहाँ पे सारे रूप रखे हैं। मैं बाहर की साइड खड़ा हुआ हूँ ठीक एंट्री गेट पर। आपको मथुरा में इस तरह की धर्मशालाएं बहुत मिल जाएंगी रुकने के लिए। आप यहाँ पर जितने समय तक रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी किराया नहीं देना पड़ता, तो ये बहुत अच्छा है। गाइस अभी हम कहते हैं परिक्रमा लगाने के शुरू हो गए हैं। ये देखो मैंने जूते वूते उतार दिए सारे, अभी हम परिक्रमा लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये आलोक भाई भी यहाँ पे तैयार हो गए, और उधर तेजू भी आ रहे हैं, तो फटाफट से अभी हम तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हमने श्री गजराज महाराज के मंदिर में दूध चढ़ाने के पश्चात अपने 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू की। आप यहाँ पर आएँ तो इनको दूध अवश्य चढ़ाएँ। ये परिक्रमा शुरू हो रही है इधर से। कितनी बार करना होता है? 7 बार। अब गाइस ये भाई गया है, अब मैं फटाफट से जाता हूँ, मैं भी शुरू करता हूँ परिक्रमा करना। तो गाइस अभी हमने फिलहाल परिक्रमा शुरू कर दी है, इधर ये आगे भाई लोग जा रहे हैं, अब मैं भी फटाफट से चलता हूँ उनके पास। बाकी यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं मैं आपको सारी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहिए आखिर। यह है पूछरी का लोटा, यहाँ पे आएँ तो एक बार जरूर दर्शन करें, यहाँ पे आएँ तो एक बार जरूर दर्शन करें। यह आपको परिक्रमा लगाते हुए रास्ते में मिलेंगे, इनका मंदिर मिलेगा। गाइस तो अभी हम कहते हैं परिक्रमा लगा रहे हैं, आधी से ज़्यादा लग चुकी है पर थोड़ी सी रह गई है। चलो फाइनल करेंगे, फाइनल जा करके बताएंगे। गाइस ये देखिए बंदर हमारा, और ये बंदर बड़े मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे हर जगह बंदर देखेंगे, तो इनका भी मज़ा लेने को मिलेगा। आप परिक्रमा करते हुए आप सभी को भगवान के कई सारे भक्त मिल जाएंगे जो परिक्रमा कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपको कई सारे कुंड भी मिलेंगे जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि श्याम कुंड, राधा कुंड, सरोवर कुंड, कुसुम कुंड इत्यादि कुंड आप सभी को मिलेंगे, तो आप इनके दर्शन करना ना भूलें। यहाँ पे ठहरें और फोटो वोटो आप ले सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच गए हैं राधा कुंड, ये देखिए इधर दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारा व्यूज है,
आप भी बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। तो अभी हमने कर लिया है दादा कुंड के दर्शन कर लिए, अभी हम जाते हैं दोबारा से अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ये बंदर, ये मेरा मोबाइल की आप परिक्रमा लगाते समय यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं और चाय वगैरह पी सकते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी। गाइज अगर आप मथुरा आए तो यहाँ पे जरूर आए कुसुम सरोवर, आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेसेस है। मैं अभी पास से जाकर देखता। गाइज अभी हम आ रखे हैं सरोवर कुंड, कुसुम सरोवर, और ये देखिए पीछे कुसुम सरोवर आपको दिख रहा है चारों तरफ, धूप की वजह से अच्छे से देख नहीं पा रहा। छुप छुपाए ऐसी जीत हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए। फाइनली गाइस पहुंच गए हम अपनी परिक्रमा पूरी करके, देखिए सारे जा रहे हैं और पैरों का बन गया कचूमर, तो जल्दी से जाते फटाफट से स्नान करते हैं और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसी जी खाने के लिए जा रहे हैं, इसमें स्नान करेंगे हम। देखो ये बाइक नहा रहा, सारे के सारे हम रेडी हो गए नहाने के लिए। आगे की वीडियो मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैंने इस वीडियो को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, और आगे की वीडियो में मैंने मस्त मस्त प्लेसेस कवर किए हैं, तो जाइए और देखिए। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।